वेलकम टू मूवीज इन जिस्ट। आज हम देखेंगे 2022 में रिलीज हुई एक अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फिल्म अनचार्टेड। इस मूवी को IMDb ने 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है और ये मूवी एक्शन और एडवेंचर से भरी पड़ी है। मूवी के स्टार्ट में हम दो भाइयों को देखते हैं। बड़े भाई का नाम सैम होता है और दूसरे का नाम नेथन होता है और लोग उसे नेट नाम से बुलाते थे। फिर वो दोनों चुपके से एक म्यूजियम में जाते हैं और वहाँ रखे एक मैप को चुराने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर वो उन्हें एक ऑर्फनेज में ले जाते हैं। एक्चुअल में सैम और नेट की मॉम डैड नहीं थे, इस वजह से वो दोनों ऑर्फनेज में ही पले बड़े थे। सैम ने उस मैप को बहुत बार चुराने की कोशिश की थी और वो जो मैप था उसमें बहुत बड़े खजाने का राज छुपा था। वो पुलिस वाले ऑर्फनेज के सिस्टर्स को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन इस बार सिस्टर पुलिस वाले से कहती है कि अब ये बड़ा हो गया है, अब नेट को छोड़कर सैम को अपने साथ ले जाओ। और फिर वो वहाँ से भागने का तय करता है और बहाना बना के अपने रूम में जाता है। फिर नेट उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकता, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। ये सुन के सैम उसे एक लॉकेट, लेटर और एक लाइटर देता है और बोलता है कि इसे तुम अपने पास रखो, ये तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होने देगी। फिर सैम के वहाँ से जाने के बाद जब नेट उस लेटर पर लाइटर से आग लगाकर देखता है तो उसमें कोई मैसेज लिखा होता है। फिर हम 15 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ नेट अब काफी बड़ा हो चुका था और वो एक बार में काम करने के साथ साथ छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। फिर एक दिन नेट से मिलने विक्टर नाम का एक आदमी आता है। वो नेट से बोलता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई सैम को जानता हूँ। एक्चुअली कुछ दिनों पहले तक हम दोनों साथ में काम किया करते थे, मगर नेट को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो विक्टर को वहाँ से जाने को बोलता है। विक्टर वहां से जाते वक्त नेट के लिए एक कार्ड छोड़ जाता है जिसमें उसका एड्रेस लिखा होता है। आगे हम देखते हैं कि नेट विक्टर से मिलने उसके घर चला जाता है और विक्टर के घर में उसे वही मैप दिखता है जिसे सैम ने बचपन में चुराने की कोशिश की थी। तभी विक्टर वहां आ जाता है। नेट विक्टर से बोलता है कि ये मैप तो वही है जिसकी वजह से उस शिप के ट्रेजर की खोज में बहुत लोग दुनिया के कई चक्कर लगा बैठे थे और आज इस खजाने की वजह से मेरा भाई सैम भी मेरे से दूर है। उस पे विक्टर बोलता है कि ये कोई बकवास स्टोरी नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस खजाने के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन तुम्हें अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और फिर विक्टर उसे एक बुक दिखाता है और बोलता है कि इस बुक में मेंशन है कि ये कोई आम शिप नहीं है, बल्कि इसकी कीमत लगभग 500 करोड़ है और उस शिप में करोड़ों का खजाना भी है जिसे 18 लोगों ने मिलकर वहां छुपाया था। फिर विक्टर नेट को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है, मगर नेट उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। जाते समय विक्टर उसे बोलता है कि याद रखना, अगर तुम उस खजाने तक पहुंच जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा भाई सैम भी मिल जाएगा। फिर घर वापस आने पर नेट अपने भाई के दिए हुए चीजों को देखने लगता है और वो सैम ने दिए हुए लॉकेट को पहन के विक्टर के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर अगली सुबह नेट विक्टर को एक ड्रॉइंग दिखाता है और कहता है कि ये कोई आम क्रॉस नहीं है, बल्कि खजाने तक जाने की चाबी है। तब विक्टर उसे बोलता है कि इनमें से एक चाबी मेरे पास है, लेकिन दूसरी चाबी हमें चुरानी होगी। फिर विक्टर नेट को बताता है कि दूसरी चाबी ऑगस्टिन नाम की एक ऑक्शन कंपनी में है और उसकी जल्द ही नीलामी होने वाली है, इसलिए हमें उसे जल्द ही वहां से चुराना होगा। अंदर जाके विक्टर जैसे ही उस चाबी को चुरा कर निकलने लगता है कि तभी वहां पर ब्रैड नाम की एक लड़की आकर उस पर हमला कर देती है और वो उसे चाबी मांगती है। एक्चुअली ब्रैड ये सब अपने बॉस के कहने पर कर रही थी जिसका नाम मोनकाडा था। इन तभी कुछ गार्ड्स वहां पर आते हैं और इसका फायदा उठाकर विक्टर वहां से चाबी लेकर निकल जाता है। चाबी मिलते ही विक्टर और नेट दोनों बार्सिलोना जाते हैं और वहां पर फ्रेजर नाम की एक लड़की मिलती है। फ्रेजर और विक्टर एक दूसरे को पहले से ही जानते थे
और विक्टर नेट को फ्रेजर से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी उनकी बातों से नेट को पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है। और ये समझने के बाद नेट विक्टर से बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रेजर दूसरी चाबी नेट से चुरा कर भागने लगती है और फिर नेट फ्रेजर का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन फ्रेजर काफी तेज तरार होती है। फ्रेजर अपनी कार लेकर वहां से भागने ही वाली होती है कि तभी नेट उसके कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है और विक्टर भी वहां आकर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें सारा खजाना चाहिए तो ठीक है, तुम वो चाबी ले जाओ, मगर वो चाबी कहां और किस जगह लगेगी वो सिर्फ नेट को ही पता है। इसके बाद फ्रेजर उन दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर नेट उन्हें बताता है कि काफी साल पहले उन 18 लोगों ने उस खजाने को एक चर्च में छुपाया था और इसके बाद वो तीनों उस चर्च में पहुंच जाते हैं और चोरी छुपके से उस चर्च के बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां उन्हें उन लोगों को उस की को लगाने की जगह भी मिल जाती है जो कि एक मूर्ति के नीचे होती है। नेट विक्टर से बोलता है कि बुक में देखकर बताओ कि चाबी किस तरफ घुमानी है। विक्टर बुक में से पढ़कर कहता है कि दोनों चाबियां एक साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, मगर ऐसा करते ही उस स्टैचू के अंदर से तीर निकलने लगते हैं, लेकिन वो तीनों भी बच जाते हैं। फिर नेट और फ्रेजर वापस से उस चाबी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। तभी उस मूर्ति के पीछे से एक रास्ता निकल के सामने आ जाता है। फिर नेट विक्टर से बोलता है कि हमें यहां से आगे बढ़ने के लिए एक रास्ते से नहीं बल्कि दो रास्ते से जाना होगा, इसलिए मैं और फ्रेजर इस गुफा से जाते हैं और तुम दूसरे रास्ते से जाओ जो कि चर्च के बाहर से है। फिर नेट विक्टर को अपने जीपीएस से कनेक्ट कर लेता है ताकि वो लोग बिछड़ ना जाए। इसके बाद नेट और फ्रेजर गुफा के अंदर जाते हैं और कुछ देर उस गुफा के अंदर जाते जाते वो एक बार में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक और सीक्रेट रास्ता था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। और वो दोनों उसके अंदर जाने से पहले ही मोनकाड़ा के आदमी आके उन दोनों पे हमला करते हैं और नेट उस आदमी को रोकने के लिए उससे फाइट करता है। तभी फ्रेजर उस सीक्रेट दरवाजे को ओपन करती है और दरवाजे को ओपन करते ही फ्रेजर और नेट उस दरवाजे से भाग निकलते हैं। अंदर जाने पे उनको एक दरवाजा दिखाई देता है जो कि उस क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। फ्रेजर जैसे ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है वहां अचानक से पानी भरने लगता है और उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरी तरफ से भी चाबी लगाकर उसे खोलना होगा, ये सिर्फ विक्टर ही कर सकता था। यहाँ दूसरी तरफ विक्टर उस दरवाजे को खोलने ही वाला होता है कि तब वहाँ ब्रैड आ जाती है और फिर से उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। दरवाजे के दूसरी तरफ नेट और फ्रेजर पानी में मरने ही वाले होते हैं कि तभी विक्टर ब्रैड को बेहोश करके उस चाबी को वहां लगा देता है और वो दोनों मरते मरते बच जाते हैं। अब आखिरी दरवाजे की बारी थी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दरवाजा खुलेगा कैसे। विक्टर उस गुफा के बाहर से उन दोनों को देख पा रहा था, लेकिन वो उस गुफा के अंदर आकर उन दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकता था। तभी नेट अपना दिमाग लगाता है और फ्रेजर से कहता है कि विक्टर से दूसरी चाबी मांग के लाओ। फिर नेट देखता है कि उस दरवाजे पर एक अलग ही सिंबल बना था और फिर जब वो दोनों चाबियों को एक दूसरे से मिलाता है तो वो चाबी उस सिंबल की बन जाती है और ऐसे वो लोग उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं। अंदर जाते ही उन्हें तीन बड़ी बड़ी पॉट्स दिखाई देते हैं। फिर नेट फ्रेजर को ऊपर उठाता है और फ्रेजर जब उस पॉट के अंदर देखती है तो उसे उसके अंदर सिर्फ नमक दिखाई देता है। इसका मतलब कि उसके अंदर कोई खजाना नहीं होता, लेकिन उसके अंदर से उन्हें एक मैप मिलता है जो कि खजाने तक जाने का एक रियल मैप था। नेट उस मैप को बारकाई से देखने लगता है कि तभी फ्रेजर उस पे गन पॉइंट कर देती है और बोलती है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें क्या लगा कि विक्टर ने तुम्हें सैम के बारे में सब कुछ सच बताया है। ये कहकर वो नेट के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और वो वहां से भाग जाती है। फिर जब विक्टर नेट को ट्रैक करके उस तक पहुंचता है तो वो देखता है कि नेट बेहोश गिरा पड़ा है और फ्रेजर उन दोनों को धोखा देकर वहां से भाग चुकी है। नेट होश में आते ही विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई सैम कहाँ है और तुमने मुझसे क्या छुपाया है। तो विक्टर उसे बताता है कि 2 साल पहले मैं और सैम खजाना ढूंढने निकले थे जिसके लिए हमें इस बुक को चुराना था। बुक तो हमने चुरा ली,
लेकिन बाहर आते समय मोनकाड़ा के लोगों ने हम दोनों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था, जिसमें सैम को गोली लग गई और वो वहीं मर गया। ये सब सुनने पे नेट गुस्सा हो जाता है और विक्टर से बोलता है, तुमने मेरे भाई को मरने के लिए वहीं छोड़ दिया और अब उस खजाने तक पहुँचने के लिए तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। इस पे विक्टर बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, मगर सैम भी यही चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उसका सपना पूरा करो। जिसके बाद नेट विक्टर से कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने भाई के लिए उस खजाने तक जरूर पहुंचूंगा और फिर उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। दूसरी ओर हम फ्रेजर को देखते हैं, जो उस मैप को लेकर मोनकाड़ा के पास जाती है। इसका मतलब ये होता है कि फ्रेजर मोनकाड़ा के लिए काम कर रही थी और फिर मोनकाड़ा अपने पूरे टीम को लेकर खजाने की खोज में कियांबा के लिए प्लेन से निकलता है और खजाना खोजने के लिए वो लोग अपने साथ जरूरत के बहुत सारा सामान भी लेते हैं। प्लेन में बैठे हुए मोनकाड़ा काफी देर से खजाना और अपने खानदान के बारे में अनाप शनाप बक रहा होता है और फिर गुस्से में आकर ब्रैड उसका गला काट देती है। मोनकाड़ा के मरने के बाद फ्रेजर समझ जाती है कि ब्रैड अब उसे भी मार देगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के कार्गो में छुपती है। फिर ब्रैड अपने आदमियों से कहती है कि जैसे ही फ्रेजर दिखे उसे फौरन गोली मार दो। वो लोग फ्रेजर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते ही हैं, तभी हम लोग देखते हैं कि नेट और विक्टर उस प्लेन में मौजूद एक कार के डिक्की में छुपकर आए थे। ब्रैड और उसके लोग फ्रेजर को ढूंढ रहे थे और इसका फायदा उठाकर नेट और विक्टर उस मैप को चुरा लेते हैं। यहां दूसरी ओर फ्रेजर और ब्रैड में फायरिंग शुरू हो जाती है। विक्टर नेट से बोलता है कि हमें मैप मिल गया है और अब हमें पैराशूट लेके यहाँ से फौरन निकलना होगा। विक्टर पैराशूट लेकर उस प्लेन से जंप मार देता है, लेकिन नेट वहीं रुक जाता है और ब्रैड से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा, और वहां के सारे कार्गो को पैराशूट में कनेक्ट करके खोल देता है। ब्रैड और उसके लोग नेट पर फायरिंग करते हैं और उन लोगों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी नेट का पैर कार्गो से लगे एक बेल्ट में फंस जाता है और नेट उसी कार्गो के साथ बाहर हवा में चला जाता है, मगर नेट किसी तरह वापस उस प्लेन के अंदर चला जाता है। उसी वक्त फ्रेजर एक कार को लेकर बड़ी तेजी से उस प्लेन से जंप करती है और साथ ही साथ नेट को भी ले गिरती है। आखिर में वो दोनों एक कार्गो को पकड़ के उसका पैराशूट खोल देते हैं और वो दोनों पानी में लैंड कर जाते हैं। पानी से निकलकर वो एक बीच पर आ पहुंचते हैं और वही एक होटल में स्टे करते हैं। होटल में पहुंचते ही नेट और फ्रेजर उस मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेजर के कुछ पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए वो जाकर सो जाती है। मगर नेट रात भर जागकर बहुत मेहनत करता है और उस मैप को समझने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उस मैप के सारे डायरेक्शंस एक नोट पर लिख देता है और सो जाता है। जब सुबह होती है तभी नेट सो रहा होता है और फ्रेजर देखती है कि नेट ने मैप को समझकर नोट्स बना लिए हैं और फ्रेजर चालाकी से उस नोट को चुराकर खजाने की तलाश में अकेली ही निकल जाती है। लेकिन जब नेट की आँख खुलती है तब वो नोट वहाँ से गायब होती है और ये देखकर वो मुस्कुराने लगता है। एक्चुअल में नेट ने उस नोट के ऊपर गलत लोकेशन को मेंशन किया था और असली लोकेशन नेट के पास ही होता है। आगे हम देखते हैं कि नेट स्पीडबोट लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो कि एक आइलैंड की गुफा में थी, मगर ब्रैड भी दूर खड़े होकर उस पर नजर रख रही थी। लोकेशन पर पहुंचते ही नेट पानी में जंप करता है और स्विम करता हुआ उस शिप तक पहुंच जाता है। उस शिप पे जाते ही नेट को वहां बहुत सारा खजाना दिखाई देता है और तभी वहां पर विक्टर भी आ जाता है। उसे देखकर नेट काफी डर जाता है और पूछता है कि तुम यहां कैसे पहुंचे? तो वो कहता है कि तुम भूल गए क्या, तुमने ही खुद के GPS से मुझे कनेक्ट किया था। फिर वो दोनों वहाँ पर रखे सारे खजाने को देखने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रैड भी अपने आदमियों के साथ पहुँच जाती है और ये देखकर विक्टर और नेट शिप के एक कैबिन में छुप जाते हैं और फिर ब्रैड अपने टीम को बुलाकर हेलीकॉप्टर से उन दोनों शिप्स को उड़ाकर लेकर जाने लगती है। फिर विक्टर और नेट प्लान बनाते हैं कि वो बहुत सारे सोने को बैग में भरकर उस हेलीकॉप्टर को ही हाईजैक
चेक कर लेंगे और वो दोनों शिप के डेक पर आके सारे गार्ड से फाइट करते हैं। सभी को मारने के बाद वो लोग उस हेलीकॉप्टर को अपना कंट्रोल में कर लेते हैं। ये देखकर ब्रैड दूसरे शिप से उन लोगों पर अटैक करवाती है। फिर उनमें जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और दूसरे शिप के लोग उस शिप पर आ जाते हैं और लड़ने लगते हैं। लेकिन तब ब्रैड आगे से आकर नेट की शिप से टकराने वाली होती है कि नेट एक पुराने कैनन से उसके हेलीकॉप्टर पे अटैक कर देता है और इससे ब्रैड का हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है और उसका शिप एक बड़े पहाड़ी से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। मगर ब्रैड किसी तरह से नेट के शिप पर जंप करती है और वो उस शिप के एंकर को खोलकर समंदर में छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाता। विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग भी नीचे गिरने लगता है, तो फिर वो हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पे डालकर उस बैग को लेने के लिए जाता है। यहाँ नीचे शिप पर ब्रैड और नेट में फाइट चल रही थी। नेट वहां से भागते हुए हेलीकॉप्टर पर जाने की कोशिश करता है और ब्रैड भी उसका पीछा करती है, मगर विक्टर अपने सोने से भरी हुई बैग को ब्रैड के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि वो पानी में गिर जाती है। मगर तभी उस हेलीकॉप्टर से लटकी हुई शिप टूट जाती है और वो पूरी की पूरी शिप ब्रैड के ऊपर गिर जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। नेट विक्टर से बोलता है कि हम ये सोना अभी भी हासिल कर सकते हैं। इस पे विक्टर बोलता है कि अब बहुत देर चुकी है, ये सोना फिलीपींस गवर्नमेंट का हो गया है और वो लोग इसे लेने के लिए आ रहे हैं। इससे विक्टर दुखी हो जाता है, लेकिन तभी नेट उसे बोलता है कि दुखी क्यों हो रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और फिर नेट अपने पॉकेट से एक एक करके बहुत सारे सोने को निकालता है और फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं। मूवी के एंड में एक स्पीड मोटर बोट नेट और विक्टर का पीछा कर रही थी, जिसमें कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर थी। एंड में हम देखते हैं कि नेट का भाई सैम भी जिंदा होता है और वो एक जेल में बंदा था। और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।